पत्रकारिता जगत के हमारे दीपक कलाल माननीय आदरणीय श्री अर्नब गोस्वामी जी, तो गूगल के प्राप्त जानकारी के आधार पर 2017 में उन्होंने एक चैनल बनाया है। राजीव चंद्रशेखर कर कोई भाजपा के सांसद हैं, उनका वो चैनल है, नाम रिपब्लिक टीवी है, हालांकि नाम तो नहीं सही है, अल जजीरा होना चाहिए था। मैंने उनका पिछले 12-15 दिनों का उनकी व्यूअरशिप को ऑब्जर्व किया, रिपब्लिक टीवी जो वो उनका प्राइम टाइम डिबेट है सेल्फ प्रोक्लेम्ड, तो 44,000, 55,000, 48,000 लोग लगभग उन्हें प्रतिदिन देखते हैं। सो 135 करोड़ के देश में अगर 44,000 से 55,000, 65,000 लोग कोई डिबेट डेली देखते हैं, तो इसका तात्पर्य हुआ कि 0.0037% जो है वो उनका दर्शक वर्ग है। 0.0037%, इतना विराट दर्शक वर्ग जिस पत्रकार का है, उस पत्रकार पर हमला, तो लोकतंत्र पे हमला है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, ये NSA अजीत डोभाल जी को देखना चाहिए, या लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन की कोई साजिश हो सकती है, और उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा को बढ़ाकर जेड प्लस कर देना चाहिए, क्योंकि वाई श्रेणी आप समझते ना, जो कपिल मिश्रा को मिली थी दिल्ली के दंगों में, हाँ, तो वो धरती पे दंगा करते हैं, ये हवा में दंगा करते हैं। और जो समाज में इस जहर को बोते हैं, जिनके पास वाई प्लस की सुरक्षा है, उनको इतना डर, आपको क्या डर है? आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार को इनकी सुरक्षा गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी कितनी प्रतिष्ठा है, 0.0037%, इससे ज़्यादा तो हमारा खेसारी लाल पॉपुलर है। निरहुआ बहुत बड़ा सुपरस्टार है, तो क्या अमिताभ बच्चन हो जाएगा? प्रिय 130 करोड़ देशवासियों, 130 करोड़ माइनस 19% देशवासियों, पत्रकारिता जगत के हमारे दीपक कलाल माननीय आदरणीय श्री अर्नब गोस्वामी जी, तो गूगल के प्राप्त जानकारी के आधार पर 2017 में उन्होंने एक चैनल बनाया है। राजीव चंद्रशेखर कर कोई भाजपा के सांसद हैं, उनका वो चैनल है, नाम रिपब्लिक टीवी है, हालांकि नाम तो नहीं सही है, अल जजीरा होना चाहिए था, नहीं माचिस के डिबिया में इतना शोर। तो बहुत उनका कहना है कि वो बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं, उनका प्राइम टाइम शो है, उनकी बात का बहुत वजन है। तो पिछले छः महीनों के मैंने उनके डिबेट्स को एक मोटा मोटा एनालाइज किया, तो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC और तबलीगी जमात और पालघर लिंचिंग और 370, मतलब सांप्रदायिक भावनाओं के इर्द गिर्द ही उनके डिबेट थे। उनका कोई भी डिबेट GDP या अर्थव्यवस्था या युवाओं के रोजगार या महिलाओं की सुरक्षा या धरातल पर मुद्दे या बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं या कोरोना की जांचें या PPE किट्स या वेंटिलेटर, ऐसी किसी भी विषय पर उनका कोई डिबेट मुझे नहीं प्राप्त हुआ 6 महीने के आधार पर, लेकिन वो कहते हैं कि वो बड़े पत्रकार हैं। दूसरा, मैंने उनका पिछले 12-15 दिनों का उनकी व्यूअरशिप को ऑब्जर्व किया, रिपब्लिक टीवी जो वो उनका प्राइम टाइम डिबेट है सेल्फ प्रोक्लेम्ड, तो 44,000, 45,000, 48,000 लोग लगभग उन्हें प्रतिदिन देखते हैं। सो 135 करोड़ के देश में अगर 44,000 से 55,000, 65,000 लोग कोई डिबेट डेली देखते हैं, तो इसका तात्पर्य हुआ कि 0.0037% जो है वो उनका दर्शक वर्ग है। 0.0037%, इतना विराट दर्शक वर्ग जिस पत्रकार का है, उस पत्रकार पर हमला, तो लोकतंत्र पे हमला है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, ये NSA अजीत डोभाल जी को देखना चाहिए, या लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन की कोई साजिश हो सकती है, और उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा को बढ़ाकर जेड प्लस कर देना चाहिए, क्योंकि वाई श्रेणी आप समझते ना, जो कपिल मिश्रा को मिली थी दिल्ली के दंगों में, हाँ, तो वो धरती पे दंगा करते हैं, ये हवा में दंगा करते हैं। मगर इनके चेहरे पे बहुत भय दिख रहा था, जो वीडियो उन्होंने बताया कि जो है वाई श्रेणी वालों ने रोका, दो लड़के बाइक से थे, वो किस संगठन से जुड़े हैं, उनको किस पार्टी की अध्यक्षा ने भेजा है, ये बताने के लिए वो रुके, उसके बाद वो चले गए। जो लोग दिन भर लोगों की भीड़ में भय पैदा करते हैं, उन लोगों के लिए जो सब्जी बेचते हैं, जो कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, जो श्रमिक हैं, जो छोटे छोटे उद्योगों में काम करते हैं, जिन्हें भीड़ से मारे जाने का खतरा है, और जो समाज में इस जहर को बोते हैं, जिनके पास वाई प्लस की सुरक्षा है, उनको इतना डर, आपको क्या डर है? आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार को इनकी सुरक्षा गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी कितनी प्रतिष्ठा है, 0.0037%, इससे ज्यादा तो हमारा खेसारी लाल पॉपुलर है। निरहुआ बहुत बड़ा सुपरस्टार है, तो क्या अमिताभ बच्चन हो जाएगा? सपना चौधरी जी लोक नृत्यांगना है, नोरा फतेही का अपना एक क्लाइंटेल है,
तो देर इज अ बेसिक क्लास डिफरेंस बिटवीन द पीपल। तो जो टिप्पणी उन्होंने जिस पर की उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि उससे योग्य ये व्यक्ति नहीं है कि समकक्ष रह के उस टिप्पणी का कोई बचाव किया जाए। हाँ, मुझे मेरे लिए एक चिंता है, मेरे लिए मुझे ये चिंता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, महिला हैं, काम करते हैं, तो एक ऐसी महिला जो 52 वर्ष से भारत की बहू है, देखिए हमारे हिंदू में अगर एक बार अग्नि के चारों तरफ सप्तपदी श्लोक के अंतर्गत हमने विवाह हो गया, तो फिर वो स्त्री अगर वामांग आ गई तो फिर उसका कुल, उसका गोत्र, उसके धर्म, उसकी जाति पर उंगली उठा रहा है, तो फिर उसको तो पहले वो धर्म का अध्ययन करे। अगर कन्या एक बार वामांग हो गई तो फिर वो पुरुष में समाहित है, वही उसकी पहचान है। दूसरी चीज, 2004 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया की ताकतवर महिलाओं में शुमार किया, 2012 में टाइम मैगजीन ने उनको अपने मुखपत्र पे रखा। दुनिया की इन्फ्लुएंशियल महिलाएं जैसे मिशेल ओबामा, जैसे कोंडाजेला राइस, जैसे जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, ऐसे लोगों में जिस महिला का नाम रहा, जिसे दुनिया की पत्रकारिता ने, आईटी सेल ने नहीं, सन, डेली मिरर, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, दुनिया की वैश्विक मीडिया जो प्रायोजित नहीं होती है, उसने उन्हें सेंट, संत कहा, जब प्रधानमंत्री पद का त्याग किया, क्योंकि कोई पुरुष तो प्रधानी नहीं छोड़ सकता है, प्रधानमंत्री पद तो बहुत बड़ा होता है, ये कोई महिला ही कर सकती है, तो वैश्विक मीडिया ने जिसे संत की उपाधि दी, अगर ऐसी महिला पर कोई ओछी 2% की, जिसकी व्यूअरशिप 0.0037% है, अगर इस टिप्पणी को करता है, तो ये मतलब ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी सी ग्रेड चीप क्लास का आदमी कभी भी उंगली उठा देगा, तो ये आधी आबादी की अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है कि दुनिया की ताकतवर महिलाओं में शुमार होने के बाद भी सस्ती मानसिकता के लोग आपके इर्द गिर्द, ऐसा तो ये बड़ा दुखद है। इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तीसरा जो है, बहुत खास जो क्वेश्चंस आए हैं, बस मैंने वही इन्वॉल्व किए हैं, उनका डिबेट्स आप लोग मत देखिएगा, जैसे खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट होता है ना, कि प्रतिरोधक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लगता है उत्तेजक दवाइयों का इस्तेमाल करके जो है वो डिबेट करते हैं, लेकिन टीआरपी के लिए ऐसा होता है। आप जैसे देखिए, आईपीएल है, बहुत बड़ा इवेंट है, कोको, पेप्सी, वीवो उसको स्पॉन्सर करते हैं, बट जो देखिए सी ग्रेड आर्टिस्ट होते हैं, सपोज पूनम पांडे है, शर्लिन चोपड़ा है, राखी सावंत है, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो एक अनाउंसमेंट, कोई वल्गर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो है अगर कोहली इतने छक्के मारेगा तो हम ऐसा करेंगे, उससे क्या होता है कि जो उनका एक क्लास है, उनकी जो पोर्नोग्राफिक एरोटिक वेबसाइट्स हैं, वो ट्रैफिक डाइवर्ट होके उनकी वेबसाइट्स पर चला जाता है, तो उनको इससे थोड़ा सस्ती लोकप्रियता और टीआरपी के लिए लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसे लोगों को एकदम गंभीरता से ना लिया जाए। सीता माता पे धोबी ने सतयुग में आरोप लगा दिया था, तो ये सब कलयुग के धोबी हैं, डोंट टेक देम एज जर्नलिस्ट, अवॉइड देम, बायकॉट देम, एंड डोंट रिप्लाई टू देम, राइट। तीसरा जो सबसे ज्यादा बात कही गई है वो है, मैम आपने पालघर की लिंचिंग पे कुछ नहीं बोला। देखिए, मैंने पिछले डिबेट में पालघर की लिंचिंग पर बोला था, उससे ज्यादा बोलने का कोई प्रश्न नहीं है। अभी 2018 में स्वामी सानंद सरस्वती जी की, जो गंगा की अविरलता और गंगा के खनन पे काम कर रहे थे, लगातार उपवास पे थे, प्रधानमंत्री जी को तमाम पत्र लिखे थे उन्होंने, उनकी मृत्यु हुई, संत वर्ग ने उसको ध्यान में भी नहीं लिया। बात वर्ग की नहीं है, बात यह है कि देखिए, सामने वाले के पास एक ऐसी मशीनरी है जो किसी भी खबर को किसी भी लहर में तब्दील कर देता है। तमाम सारे पवन शर्मा, रजिया बानो बन के 2 रुपए 40 पैसे में ट्वीट करने लग जाते हैं। अब अर्नब गोस्वामी ट्रेंडिंग में है, 7 लाख लोग उसके फेवर में ट्वीट कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये उसकी फॉलोइंग है? नहीं, इसके डिबेट को 44,000 आदमी देख रहा है ये। एनीवेज, आप यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर, हमें उस मशीनरी का शिकार नहीं होना है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि हम बात ना कर सकें। हमें ये सोचना चाहिए कि 23,700 आदमी कोविड से संक्रमित हो चुका है, अभी तक टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स इतनी चीप क्वालिटी के डॉक्टर्स को सप्लाई हुए हैं, उन पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। हमें ये पूछना चाहिए कि अभी तक सरकारों के पास वेंटिलेशन और जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम विषयों पर बात ना कर सकें, इसलिए ऐसे विषयों को उठा दिया जाता है, और वो उठाना हम और आप नहीं उठाते हैं, उसके लिए एक पेड मशीनरी है।
तो फेक न्यूज को अवॉइड करें, लोगों को जवाब देने के स्थान पर अनफ्रेंड, बायकॉट या ब्लॉक करें। इस समय 906 लोग जुड़े हैं। सपोज इसमें 900 लोग मेरे विरोध में हैं, तो मैं सिर्फ 6 लोगों से संवाद करना चाहूंगी। 900 लोगों को सफाई देने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे ही आप, वैसे भी इतनी बेरोजगारी है, अगर लाख 50,000 लोगों को पवन शर्मा रजिया बानो बन के 2 रुपये 40 पैसा मिल रहा है एक ट्वीट का, तो आई थिंक हमें उन्हें माफ करना चाहिए और अपने विवेक, अपने कॉन्शियस पे भरोसा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, फिर आप सबसे बात होगी। थैंक यू सो मच।